उज्जैन के नागदा बाईपास रोड पर गौवंश की खाले मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी तो पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं हिंदूवादी नेताओं ने जाहिर की अपनी नाराजगी। उज्जैन शहर में दो हादसे आए हैं सामने, दोनों ही हादसों में युवक की हुई है मौत, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है, मर्ग कायम करते हुए शुरू कर दी विवेचना। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन शक्तिपीठ मां हरसिद्धि के मंदिर में साज आरती हुई विधि विधान के साथ में, लेकिन कोरोना के चलते भक्त नहीं कर पाए भगवान के दर्शन। उज्जैन शहर में निवास करने वाले लोग सभी के सुख दुख में हो रहे हैं एक साथ खड़े, तो वहीं एक समय कोरोना के चलते लॉकडाउन है लागू, मूक बधिर दिव्यांग और निराश्रित लोगों को भोजन की हो रही है व्यवस्था। कोरोना के कारण लॉकडाउन है जारी, तो वहीं पेट्रोल पंप भी हैं बंद, इसी के चलते कई वाहन चालकों को जाना पड़ रहा है गाड़ियों में धक्का लगा के, तो वहीं मूक बधिर निराश्रित लोगों को सूखी रोटी और बासी सब्जी खाकर मिटानी पड़ रही है अपनी भूख। उज्जैन शहर में लगातार हो रही है कार्रवाई, कहीं वसूला जा रहा है जुर्माना तो कहीं भेजा जा रहा है अस्थायी जेल में, कुछ बेशर्म लोगों को फूल देकर नवाजा जा रहा है, मास्क का करें उपयोग, ऐसी दी जा रही है नसीहत। सिंगरौली जिले में कोरोना के बढ़ते क्रम को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, कलेक्टर राजीव रंजन मीना के अलावा एसपी वीरेंद्र सिंह और इसके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यशाला का किया आयोजन। उज्जैन के महाकाल मंदिर चौराहे के पास में एक मस्जिद ऐसी भी है जहां 7 बार तोप चलाकर दी जाती है सूचना, रमजान के चलते होता है इस तरीके का आयोजन। सांसद प्रतिनिधि संदीप सिंह तंबर ने किया क्षेत्र का दौरा, इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र बाबड़िया भाव में सांसद प्रतिनिधि को मिली है कई अनियमितताएं, भवन में नहीं थी पानी और विद्युत की सुविधा। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अगर आप गलती से भी चले जाएं अंदर तो आपके खिलाफ होती थी कार्रवाई, नहीं तो लेना पड़ता था 50 रुपए का रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, लेकिन वॉइस ऑफ राइट ने खबर को दिखाया प्रमुखता के साथ, इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है सुधार।